नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलेंगे अरविंद जी से, जो पटना बिहार के निवासी हैं। उनको क्या समस्या था, कब से उन्होंने दवाई लेना शुरू किया, आप उनके मुंह से सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले ये चीज बता दें कि उनका वीडियो मोड में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने ऑडियो मोड में उनका रिकॉर्ड किया है, तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुने। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपना नाम और अपना जगह बताएंगे तो? मेरा नाम अरविंद चौधरी हुआ सर। अच्छा, आप शायद बिहार से है ना? जी पटना बिहार। जी आपको क्या समस्या था सर? मेरा दाहिना पैर के जांघ की हड्डी टूट गया था सर। जी 12/6/2022 को। हाँ। जिसका ऑपरेशन 20/6/2022 को हुआ। अच्छा जी, जिसमें प्लेट लगा हुआ है और हड्डी नहीं जुड़ रहा था। हाँ। लेकिन तीन महीना के बाद डॉक्टर साहब बोले कि वॉकर से चलना है। हाँ। हम करीब करीब एक दो महीना चले भी हल्का फुल्का। जी। और फिर बोले कि ऐसा कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। हाँ। ठीक है ना, तो फिर हम रेस्ट में होगा। जी। इसी क्रम में मुझे झार आयुर्वेदा के बारे में पता चला। जी। YouTube से। जो अखिलेश जी है वो फ्रैक्चर फाइटर है। जी। लखनऊ के। हाँ। जिसमें एक वीडियो आया था उनका, कोई एक लड़का था जी जिसका उसका उनका भी पांव के हड्डी टूट गया था, जांघे के हड्डी शायद था जी, और उनका प्लेट टूट गया था जी। लेकिन जो वो दवा ली है झार आयुर्वेदा का जी, 15 दिन के बाद उनका वो उनका शायद कैलस भरपूर मात्रा में बन गया। अच्छा जी। जैसा कि उस पिक यूट्यूब पर हम देखे। ठीक है ना जी। उसी क्रम में आपका नंबर मिला और हम आपसे कांटेक्ट किए हैं सर। जी। और मेरा पांव पैर जो है ना सर, पोलियो ग्रस्त भी है। जी। आज आपने दवाई को लगाया है, तो अभी दवाई लगाने के बाद आपको कोई हलचल सा लगा कि जैसे आपको पता चला कि रिजल्ट आपको मिलना शुरू हुआ या फिर ऐसा कुछ? पहले तो हल्का फुल्का दर्द करता था ठेवड़ा के पास। हाँ। तो वो सर दर्द आज थोड़ा कम है। अच्छा ठीक है ना, थोड़ा कम है, थोड़ा हल्का फुल्का खिंचाव टाइप के भी हो रहा है, शायद दवा लगाने से हो रहा है कि क्या पता नहीं। हाँ हाँ। और जैसे आपको बताया गया होगा शुरू में कि दवाई लगाने के बाद अगर खिंचाव आता है, तो आप ये समझो कि हड्डी आपका खींचना शुरू हुआ, यानी कि जुड़ना शुरू हुआ। जी जी। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे पहला दिन आपका आपने जो दवाई लगाया उसमें से जैसे आपका जो दवाई है वो खींचना शुरू किया, यानी कि जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो गया, यही चीज है ना? और जी जी। और जैसे आपको बताया गया होगा कि लगातार आप इस तरीके से अगर 4-5 खुराक लेते हो तो आपका क्या होगा, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने सुना, आज उन्होंने पहली बार दवा लगाया था और दवाई लगाने के बाद उनको खिंचाव सा महसूस हुआ, यानी कि दवाई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब आगे की जो भी अपडेट्स आते रहेंगी, हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते जाएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।